हे फ्रेंड्स, आई एम रश्मि। वेलकम टू रसाट क्रिएशंस। सो आज मेरे पास है ये वॉल हैंगिंग क्राफ्ट आइडिया। ये बहुत ही आसान है बनाने में, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर में हार्ट शेप ड्रॉ करके कट कर रही हूँ। ये A4 साइज पेपर है। देन इसमें जो हार्ट शेप ड्रॉ करके मैं कट करूँगी, सेम डिज़ाइन कार्डबोर्ड से भी कट कर लेना है। ओके, तो जो ये हार्ट शेप का स्ट्रिप कट हुआ है, इसे ट्रेस करके हमें कार्डबोर्ड में हार्ट शेप की जो स्ट्रिप है पत्ती, वो कट कर लेनी है। और अब इस हार्ट शेप की स्ट्रिप को हम थ्रेड से कवर करेंगे। मैं यहाँ पे पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थ्रेड के बदले इसे पेपर से भी कवर कर सकते हैं। सिमिलरली हमने जो सेकेंड स्ट्रिप कट किया था हार्ट शेप में, उससे भी कार्डबोर्ड कट करके उसे भी थ्रेड से कवर कर लेना है। जो कॉर्नर्स में थोड़ी जगह बच जाएंगे, उसे कवर करने के लिए मैंने ग्लू और ग्लिटर यूज़ किया है। और अब इन दोनों हार्ट शेप को साथ में जॉइंट कर लेंगे थ्रेड की हेल्प से। इसे डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लावर और लीफ की डिज़ाइन। ये फ्लावर और लीफ की डिज़ाइन कैसे रेडी करना है, इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन जो फ्री स्पेस है, जो खाली जगह छूट गए हैं, उसे कवर करने के लिए मैं ग्लिटर और ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही 8 पेटल वाला फ्लावर हम रेडी करेंगे सेम डिज़ाइन में, और उसे भी बीच से कट करके अपने क्राफ्ट में फिक्स कर लेंगे। ओके, लास्ट कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2-2 पेटल्स वाले फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर का डिज़ाइन। एंड इसी के साथ हमारा क्राफ्ट जो है वो रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरा ये वॉल हैंगिंग क्राफ्ट आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्राफ्ट आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।